बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ विकास कार्य हुआ है 5 साल में, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। कविता सिंह कहाँ विकास की? सांसद कौन है? अभी तो कविता सिंह है। कविता सिंह, मुलाकात कभी हुई थी उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं। चुनाव में आई थी क्या? चुनाव में आई थी। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी देवी, वो जेडीयू से हैं। हेना साहब जो है निर्दलीय हैं, ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, जीवन यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लकड़ी की जनता किसे चुनाए? हेना साहब निर्दलीय हैं, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय हैं, जीवन यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। प्रकाश मणि तिवारी, ये तमाम लोग निर्दलीय। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना बढ़िया सड़क मिला है आपको, सोलर लाइट लगा हुआ है। ये तो प्रखंड लेवल से बना हुआ है सड़क है, बहुत कोशिश करने का। इस बार क्या होगा चुनाव में, कहाँ जाएगा वोट आप लोगों का? हम लोगों को जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, जेडीयू के खाते में फिर टिकट गया है, विजय लक्ष्मी देवी उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह से आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया और विकास नहीं हो पाया, इस बार भी वैसे ही कुछ होगा? वैसा ही होगा। हालांकि इससे पहले कविता सिंह थी तो कोई विकास नहीं हुआ है, एक बार दर्शन हुआ है, अब आगे देखते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे हम अपना मुद्दा रखेंगे और जो काम करने के लिए तैयार हैं उनको। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। हमारा खास कार्यक्रम विकास की बात जनता के साथ, इसी के तहत सिवान लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव, कस्बे, मोहल्ले, बाजार और शहर में लोगों से बातचीत करने की कोशिश है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है वर्तमान सांसद के द्वारा। और देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र के इस वक्त हम आखिरी छोर पर हैं, इसके बाद गोपालगढ़ शुरू होता है, लकड़ी बाजार पर हैं, कुछ लोग हैं, युवा हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ विकास कार्य हुआ है 5 साल में, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कविता सिंह कहाँ विकास की? सांसद कौन है सिवान? अभी तो कविता सिंह है। कविता सिंह, मुलाकात कभी हुई थी उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं। चुनाव में आई थी क्या? चुनाव में आई थी। चुनाव में आई थी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या होगा चुनाव में? अब इस बार का कौन कौन विकास का मुद्दा? अवध बिहारी चौधरी जो आपके विधायक हैं वो चुनावी मैदान में है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी देवी, वो जेडीयू से हैं। हेना साहब जो है निर्दलीय हैं, ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, जीवन यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लकड़ी की जनता किसे चुनेंगे? और इधर आ जाइए, रोड रोड को छोड़ दीजिए। तो अभी हम क्या बता सकते हैं? अभी तो कोई बात। अच्छा, लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं यहाँ? अभी तक अभी नहीं आ रहे हैं। क्या विकास कार्य हुए हैं 5 सालों? कुछ भी नहीं हुआ है। अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है, क्या होगा? क्या होगा, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, पिछली बार भी मोदी जी को ही देख करके कविता सिंह को वोट दिया तो मोदी जी के नाम पर दिए थे हम लोग। तो क्या कुछ विकास विकास हुआ काम? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। इस बार तो टिकट ही कट गया उनका। हाँ, तो कटना पाका था। उनको टिकट भी मिल जाए तो हम निर्दलीय को वोट देते लोग। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। अभी तो हमको पता नहीं है उनके बारे में, निर्दलीय हैं कि क्या है। हेना साहब निर्दलीय हैं, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय हैं, जीवन यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। प्रकाश मणि तिवारी, ये तमाम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, तो होगा, जिसका मन वो भी रख सकते, हम भी लड़ सकते हैं। लड़िएगा क्यों, अभी हमको क्यों, हमको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में विकास कार्य कुछ हुए हैं आपके? नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना बढ़िया सड़क मिला है आपको, सोलर लाइट लगा हुआ है। ये तो प्रखंड लेवल से बना हुआ है सड़क है, बहुत कोशिश करने के बाद बाजार के आम जनता के प्रखंड लेवल से स्तर से बना है। हमारे विधायक एमपी साहब ना लकड़ी आते हैं ना, एक बार इलेक्शन का टाइम आएगा, चुनावी माहौल है, अब लगातार लोग आएंगे, वोट कहाँ जाएगा यहाँ के लोगों का? युवा के नाम पर जाएगा वोट। हाँ, विकास के नाम पर जाएगा। तो वादा तो कई सारे लोग करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, इस तरह का विकास कार्य करेंगे, लेकिन फिर होता क्या है? अब तो जनप्रतिनिधि आते रहते हैं अपना अपना मनो। अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब, प्रकाश मणि तिवारी, जीवन यादव, अवध बिहारी चौधरी, ये तमाम लोग चुनावी मैदान में है, कहाँ जाएगा वोट युवाओं का? युवाओं का विकास के नाम पर वोट जाएगा, विकास के नाम पर जाएगा। चलिए बातचीत करें, क्या नाम हुआ चाचा आपका? गणेश प्रसाद। प्रसाद जी, ये बताइए कि विकास कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सांसद कौन है सिवान? कविता सिंह है। मुलाकात हुई है कभी? एक बार नहीं। एक बार भी नहीं, चुनाव में भी नहीं आई थी? चुनाव में आई थी
जब इलेक्शन था उस टाइम आए, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद नहीं आए। इस बार क्या होगा चुनाव में, कहाँ जाएगा वोट आप लोगों का? हम लोगों को जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, जेडीयू के खाते में फिर टिकट गया है, विजय लक्ष्मी देवी उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह से आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया और विकास नहीं हो पाया, इस बार भी वैसे ही कुछ होगा? वैसे ही होगा। वैसे ही होगा, विकास होगा कि नहीं होगा? होगा, विकास होगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बताइए। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद, प्रसाद जी ये बताइए कि विकास कुछ हुआ है 5 सालों में? अब होते रहता है। आपके यहाँ क्या दिख रहा है, सांसद ने क्या विकास कार्य करा है? यहाँ तो कुछ नहीं कहीं, तो जब से जीत के गई है उसके बाद दोबारा तो चेहरा दिखी नहीं। चुनाव में आई थी एक बार, उसके बाद नहीं दिखी। फोटो वोटो तस्वीर वस्वीर तो देखते होंगे ना न्यूज पे? हाँ ये तो देखते हैं, बाकी कोई विकास हुआ नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, इस बार क्या होगा? कई सारे लोग प्रत्याशी हैं, हेना साहब हैं, ओम प्रकाश यादव प्रत्याशी हैं, जीवन यादव हो सकते हैं, अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कई सारे लोग हैं ऐसे, काशमणि तिवारी हैं, क्या होगा? जो विकास की बात करेगा उसी को वोट मिलेगा। जो विकास की बात करेगा, यहाँ हॉस्पिटल है वो जाइएगा तो बकरी उकरी बना होगा, करीब करीब ये गुलाम सरवर साहब थे तो उन्होंने बनवाया था, उसके बाद आज तक कोई डॉक्टर नहीं गया। कोई नहीं गया? नहीं, नहीं। डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ लगती है क्या? कुछ नहीं, साल डेढ़ साल तक थे, उसके बाद बंद बंद हो गया। अब बकरी बनाती है। पीएससी है क्या? पीएससी है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या होगा इस बार चुनाव में? इस पर चुनाव में वही होगा, देखिए कोई भी पार्टियां काम नहीं कर रही है बढ़िया से। पहले हमारी सांसद कविता सिंह है अभी, और अभी पता नहीं कौन कौन लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अभी चलिए आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सिवान लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधायक है वो चुनावी मैदान में है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो सिवान लोकसभा सीट जो है जेडीयू के खाते में गया है, तो विजय लक्ष्मी देवी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। हेना साहब पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं सिवान लोकसभा सीट से, राजद के टिकट पे 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, 4थी बार वो चुनावी मैदान में है। ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। जीवन यादव की चर्चा हो रही है, प्रकाशमणि तिवारी जो अपना नौकरी छोड़ अमेरिका से अपने गाँव लौटे हैं वो भी चुनावी मैदान में। ये तमाम लोग हैं, वोट कहाँ जाएगा? देखिए जितने लोग हैं अगर वो लोग आते हैं यहाँ पे बाजार पे, हम लोग जो लकड़ी बाजार है उनसे मुद्दा हम लोग रखेंगे विकास का। एक हमारा हॉस्पिटल है इधर, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये आपके सरकारी स्कूल के पीछे है, ठीक है, अगर उनको चालू करवाने का अगर वो लोग काम करते हैं, जो शर्तें हमारे मानेंगे, जो भी सांसद मेरे शर्त मानेंगे। अच्छा ये बताइए कि प्रत्याशी लोगों का दौरा हो रहा है कि नहीं? नहीं अभी तो कोई प्रत्याशी का दौरा नहीं हुआ है। अच्छा, हर साल चुनाव में सिवान का सिसवन ढाला लोग बनवाना चाहते हैं, इस बार लोग बनवाएंगे क्या? अब उधर का हम नहीं जानते, हम तो अपने यहाँ एरिया का विकास के बारे में सोचेंगे। हाँ हाँ। कि सारा विकास हो हमारे यहाँ। हाँ। हालांकि इससे पहले कविता सिंह थी तो कोई विकास नहीं हुआ है, एक बार दर्शन हुआ है, अब आगे देखते हैं जो लोग आ रहे हैं उनसे हम अपना मुद्दा रखेंगे और जो काम करने के लिए तैयार हैं उनको वोट दिया जाएगा। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या विकास कार्य कुछ हुए हैं 5 सालों में? जी नहीं, कविता सिंह आई थी वोट मांगने, उसके बाद से अब तक दिखाई नहीं दिया। चुनाव में इस बार अभी देखिए कि माहौल कुछ लग रहा है, कभी जैसे किसी का कभी यहाँ आरजेडी वाले आ रहे हैं, कभी आरजेडी से अभी अवध बिहारी चौधरी आए हैं, तो लेकिन आपके, उनका आपके, आपके तो वो विधायक भी हैं, तो फिर कहाँ जाएगा? ठीक है विधायक हैं लेकिन उनको आना चाहिए तो बाजार में सारे जगहों पर सभी का आदमियों से मुलाकात करना चाहिए। हाँ। सारे जगह, लेकिन कुछ ऐसे एक ही दो दुकान पर आते हैं बैठते हैं जाते हैं, उससे आदमी लोगों का मन में बहुत अच्छा नहीं लगता। जो उनके करीबी लोग हैं उनके यहाँ ही वो बैठ के चले जाते हैं। जी जी। आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई? जी नहीं, नहीं, नहीं। अब वक्त भी नहीं बचा है, 25 मई को मतदान है। कोई बात नहीं है, वो समय बताएगा उनको। वोट कहाँ जाएगा, युवा कहाँ है इस बार? अभी देखिए जो भी युवा है इस समय विकास के बात पे ही करेगा। केंद्र में किसकी सरकार देखेंगे युवा? केंद्र में तो मोदी जी ही रहेंगे, अभी तो मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे केंद्र में। सिवान से किसे देखना चाहते हैं? अभी सिवान से देखिए आरजेडी और बीजेपी में ही टक्कर है। निर्दलीय का कोई खेल नहीं बचेगा? निर्दलीय में है कुछ आदमी अपनी व्यक्तिगत छवि पर कुछ ला सकते हैं। चलिए तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के हम लकड़ी बाजार पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे। हमारा खास कार्यक्रम जो है
विकास की बात जनता के साथ। इसी के तहत अलग अलग गांव मोहल्ले कस्बे में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का मन टटोलना जो है कि मकसद है कि लोग आखिर किस मुद्दे पे इस बार मतदान करेंगे। देखिए 25 तारीख को 25 मई को मतदान होने वाला है और उससे पहले लगातार प्रत्याशियों का दौरा जो है वो जोरों शोर से चल रहा है। अब देखना होगा कि जो जनता है इस बार किसे सिवान से अपना सांसद बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, बहुत अच्छा बोलते हैं, निकालिए ना वो वाला माइक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।